हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की तरफ से निकाली गई है। और यह वैकेंसी जो है कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के पोस्ट पर निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी रखी गई है वो टोटल 293 वैकेंसी रखी गई है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो डेट रखा गया है वो 1 नवंबर 2022 रखा गया है, यानी 1 नवंबर 2022 से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट टू फॉर्म, फॉर्म के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 30 नवंबर 2022 रखी गई है। एग्जाम डेट जो है आपका अवेलेबल सून। अगला है हमारा एज लिमिट। देखिए, आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 30 नवंबर 2022 को आधार मानकर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी मिनिमम एज मतलब न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 18 ईयर्स रखी गई है, और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 23 ईयर्स रखी गई है। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी मिनिमम एज मतलब न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 18 ईयर्स रखी गई है, और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। अगला है हमारा सैलरी। देखिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी रखी गई है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। इसी तरह हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी रखी गई है वो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। अगला है हमारा एप्लीकेशन फी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 100 रुपये रखा गया है। एससी एसटी या ईएसएम कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया वो 0 रुपया रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया वो भी 0 रुपया रखा गया। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना है। अगला है हमारा क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या रखी गई है। देखिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको जो है क्लास 10th पास की डिग्री मांगी गई है, या आपके पास जो है अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। इसी तरह हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो है आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है 45% मार्क्स के साथ जो है क्लास 12th पास की डिग्री मांगी गई है, या अगर आपने क्लास 10th पास की है और आपके पास जो है 2 ईयर्स का ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आपने क्लास 10th पास की है और आपके पास जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रिकल में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, पहली जो प्रक्रिया रखी गई है वो रिटन एग्जाम होगा। सेकंड नंबर पर जो है आपका PET मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, और एंड PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और थर्ड नंबर पर जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और फोर्थ नंबर पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट जो मेल के लिए जो रखी गई है 170 सेंटीमीटर रखी गई है, और फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट जो मेल के लिए रखी गई है 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फीमेल के लिए जो आपका नॉट अवेलेबल। इसी तरह फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेस जो मेल के लिए रखा गया 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और जो समय दिया गया है 7 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। इसी तरह फीमेल के लिए जो आपका रेस रखा गया है वो 800 मीटर दौड़ना है, और जो समय दिया गया है आपका 4 मिनट 45 सेकंड आपका समय है। लॉन्ग जंप जो मेल के लिए है आपको 11 फीट रखा गया है, और आपको यहाँ पर 3 चांस दिया जाएगा। फीमेल के लिए जो आपका लॉन्ग जंप रखा गया 9 फीट रखा गया, आपको भी यहाँ पर 3 चांस दिया जाएगा। इसी तरह हाई जंप जो रखा गया है मेल के लिए 3.5 फीट रखा गया, और आपको यहाँ पर 3 चांस दिया जाएगा। फीमेल के लिए जो आपको हाई जंप रखा गया 3 फीट रखा गया, यहाँ पर आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगला है हमारा रिटेन टेस्ट। देखिए, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए जो आपका रिटेन टेस्ट रखा गया है इंग्लिश से जो है नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे, और आपके ये 10 मार्क्स के होंगे। हिंदी सब्जेक्ट से जो है आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे, और आपके ये 10 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 15 आएंगे, और आपके ये 15 मार्क्स के होंगे। इसी तरह रीजनिंग
सब्जेक्ट से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 15 आएंगे और आपके ये 15 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे और आपके 20 मार्क्स के ही होंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे और आपके ये 10 मार्क्स के होंगे। इसी तरह मैथ सब्जेक्ट से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे और आपके ये 20 मार्क्स के ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 होंगे, टोटल जो मार्क्स होगा आपका 100 मार्क्स होगा। यानी जो आपका हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का जो पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। इसी तरह कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए जो आपका रिटेन टेस्ट होगा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 15 आएंगे और आपके ये 15 मार्क्स के ही होंगे। हिंदी सब्जेक्ट से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 15 आएंगे, आपके ये 15 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे और आपके ये 20 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे और आपके 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिंग एबिट्यूड से जो आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 30 आएंगे, आपको ये 30 मार्क्स के होंगे। टोटल जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, टोटल जो मार्क्स होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो आपका पेपर होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। समय जो दिया जाएगा आपका 2 आवर्स का आपको समय दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।